नमस्कार दोस्तों सबको नमस्कार हरे कृष्ण जी ओम रायजादा हमारे मित्र आए हुए हैं राहुल मिश्रा हैं सर्वेश सिंह हैं रजत सान्याल जी हैं और भी जुड़ेंगे मित्र जुड़ जाएंगे तो अच्छा है तब तक मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूं सिंधु नदी का पावन जल पहले ये बताऊं कि मैं क्यों सुना रहा हूं अभी दो दिन पहले शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि श्री अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम के में मुझे विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया था हॉट सीट पर बैठी हुई थी एक महिला एक प्रश्न पे अटक गई प्रश्न था कि कौन सी नदी तिब्बत भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है चार विकल्प होते हैं वो चार विकल्प थे चेनाब सिंधु गंगा और शायद ब्रह्मपुत्र था तो वे उत्तर नहीं दे पाई तो उन्होंने आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन की सहायता ली और मित्रों एक सुखद की बात थी कि मुझे उत्तर पता था इस नदी पर मेरी कविता सिंधु नदी का पावन जल महाराष्ट्र के बच्चों के हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी भी हुई है मतलब ये कि मुझे उनकी सहायता करने में देर नहीं लगी उत्तर था सिंधु नदी कार्यक्रम देखने के बाद अनेक मित्र मुझसे आग्रह करने लगे कि वो कविता में आपको पढ़ के सुनाऊ या सुनाऊ तो सुनाता हूं लेकिन पहले इतना बताना चाहूंगा कि अनादिकाल से मनुष्य और उसकी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है मनुष्य का जलवा जल के कारण रहा है झोपड़ी हो या महल सब नदी या समंदर के किनारे बनते थे जल में ही जीवन जल से मोती में आभा आती है मनुष्य का विकास होता है जल बिना खाद्यान्न नहीं पकते आप भूखे रह जाएंगे पानी ना हो तो पानी गए न उभरे मोती मानस चून आपने सुना होगा तो पानी मनुष्यता के विकास का प्राथमिक तत्व है दुनिया भर में जो सभ्यताएं नदी किनारे विकसित हुई उनमें एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता इसी सभ्यता के नगर थे मोहनजोदारो और हड़प्पा जो खुदाई के बाद अवतरित हुए इनके भग्नावशेषों की खोज कोई बहुत पुरानी नहीं है अभी पिछली यानी बीसवीं सदी की ही बात है लेकिन कौन बता बता सकता है कि हिंदू का उद्गम शब्द का सिंधु वो नदी सिंधु नदी कितनी पुरानी है तो हम तो अधिकतम आठ दस हजार साल पुराने इतिहास के धुंधल के जा सकते हैं या फिर वैज्ञानिक विधियों से प्रागैतिहासिक काल को खंगाल सकते हैं बहरहाल इतिहास से मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं हमारे दोस्त फिल्मकार आशुतोष ग्वारीकर ने तो एक फिल्म भी बनाई मोहन जोदारो उन्होंने काफ़ी अनुसंधान किया और मैं समझता हूं कि अपनी कथा का सूत्र उन्हें इस जानकारी से मिला कि मोहनजोदारो और हड़प्पा एक ही साम्राज्य की दो राजधानियां थीं एक लड़के की हो गई एक लड़की की हो गई एक शानदार प्रेम कथा उन्होंने बना दी पांच हजार साल पुराने उस युग में कांसा धातु की खोज हो चुकी थी उन्होंने अपने फिल्म में खूब कांसे के सिक्के खनकाए आभूषण कहाँ से के उस दौरान के लगभग 2000 सिक्के आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं आप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पे उनके चित्र देख सकते हैं भारत कोश नाम का पोर्टल देखिए बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी आपको तो ये कविता कैसे रची गई मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि और भी थोड़े से मित्र आ जाएं मैं सेटू रावत जी को संजय धींगरा जी को प्रभात शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ और संदीप कुमार जी को भी गौड़ साहब को भी और कवि कालू दहिया जी को भी तो एक अंतिम बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अच्छा मधु मोहिनी जी भी आ गई हैं राहुल पंड्या हैं इम्तियाज़ शुभम पाठक और भूमिका भूमि आगरा वाली भी हैं तो रहिए है मेरे साथ दस पंद्रह मिनट मैं उस कविता की रचना प्रक्रिया का अंतिम प्रकरण बताना चाहता हूं कि जन्म कैसे हुआ इस कविता का दरअसल सन 2003 में श्री तरुण विजय जो इन दिनों राष्ट्रीय स्मारक संस्थान के चेयरमैन हैं मुझे सपरिवार लेह लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे हुए सिंधु दर्शन नामक सांस्कृतिक मेले में लेके गए थे उसके बाद तत्काल बाद हमारा सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन होना था उसकी तैयारी समितियों की बैठकों में वो मिले और वो बोले कि मैं जा रहा हूँ सिंधु दर्शन के कार्यक्रम में वहाँ से सीधा फिर मैं पहुँचूँगा सूरी नाम तो हमने कहा मैं भी ले चलिए हम भी वहाँ से आपके साथ शूरी नाम पहुँच जाएंगे तो उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया और मेरे पास न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए न्योता आ गया वहाँ जाके मैंने देखा कि बहुत सारे कवि कलाकार साहित्यकार पत्रकार राजनेता उस सिंधु दर्शन नाम के मेले में आए थे और दोस्तों मैंने पहली बार सिंधु नदी के दर्शन किए थे अतीत की टोह में गए लोगों के दिलों में सिंधु नदी ने एक गीली हलचल मचा रखी क्योंकि उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ था उसके साथ कहानियां जुड़ी हुई थी उसके साथ हमारी सांस्कृतिक समझ जुड़ी हुई थी उसके साथ पूरे भारत के विकास की तस्वीर जुड़ी हुई थी तो वो जो गीली हलचल हुई उसी गीली हलचल का परिणाम है ये कविता मैं सिंधु नदी का पावन जल। चलिए मैं कुछ प्रणाम और स्वीकार कर लेता हूं योगेंद्र प्रताप सिंह जी सुषमा सोनी जी बाँ के बिहारी जी आप सबको नमस्कार नीरू श्रीमाली जी योगी अश्विन जी लोकेश शर्मा जी मोना खन्ना जी भी दिख रहे हैं डॉक्टर अनिता जैन विनोद गोयल साहब सुज्ञान मोदी जी योगेंद्र प्रताप जी अब दोस्तों मैं आपसे इतना कहूँगा कि मैं अब कविता के बाद ही आपके नमस्कारों का उत्तर दूंगा आपकी जो प्रतिक्रियाएं मन में आए उन्हें लिखते रहिएगा आप ये ना सोचिएगा कि मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा मैं उन्हें निश्चित रूप से पढूंगा और उत्तर भी दूंगा मैं सिंधु नदी का पावन जल सतत प्रवहमान जीवन की पहचान एक गीली हलचल हूँ स्वर में कलकल है मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ मेरी बूंद बूंद अक्षर है और ये जो कल कल का स्वर है इसके एक कल में इतिहास का बोध दूसरे कल में है भविष्य का शोध सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान एक गीली हलचल हूँ स्वर में कलकल है मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ समंदर से बादल बादल से बूंद बीन बूंदों से बर्फ की डोर बर्फ ही बर्फ़ हर ओर और।, और जब मैं हिमालय की चोटियों से पिघलता हूँ तो सिंधु महानद की उर्मियों में उछलता हूँ सिंधु, यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए गति कभी मंद ना हुई मेरी वेदों पुराणों में वंदना हुई मेरी गति में चंचल पर भावना में अचल हूं सतत प्रभामान जीवन की पहचान एक गीली हलचल हूं स्वर में कलकल है मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात उसका मजहब उसका धर्म मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म वो लहरें जो सहसा उछलती हैं सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या बेरहमन मैं तो सबका हूँ और सबके लिए हर कोई प्यार से नहाए और जी भरकर पिए छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं मुझ में सभ्यताएं समाकर घुल मिल जाती हैं लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं कभी कभी बहता हुआ आता है लहू जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें गूंजती हैं टापें गरजती हैं तोपे होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे बांके मैं नहीं पूछता कि वे थे कहां के मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहां के मैं तो सबके घाव धोता हूँ विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ मैं अर्घ्य बन जाता हूँ सूर्य भगवान के लिए मैं वजू का पानी बन जाता हूँ मुसलमान के लिए जहाँ नफरत अपने बीज बोती है और एक अनचाही अग्नि होती है मैं बुझाने वाली फुहार बन जाता हूँ मैं आंतरिक सद्व्यवहार बन जाता हूँ मैं मानव संस्कृति के मोटे मोटे ग्रंथों पर लहरों का चमर बन जाता हूँ मैं बौद्ध धर्म चक्र की भंवर बन जाता हूँ कभी धूप में गुनगुना होकर गुनगुनाता हूँ कभी धूप में गुनगुना होकर गुनगुनाता हूँ कभी प्यारे मीत के लिए शीत गीत गाता हूँ हां मैं मोहब्बत का हरकारा हूँ आसानी से नहीं हारा हूँ ले हो हो ये कराची मैंने तो प्रेम की पोथी ही बांची, मैं मैत्री कराऊंगा मैं मैत्री कराऊंगा हाँ मैत्री कराऊंगा निर्णय में अटल हूँ सतत प्रवहमान जीवन की पहचान एक गीली हलचल हूँ स्वर में कलकल है मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं देखिए सीने में रहूं या पसीने में ताल में रहूं या सुरताल में आंच में रहूं या नाच में लहर में रहूं या नहर में सागर में रहूं या गागर में मेह में रहूं या लेह में आँख में रहूं या लद्दाख में संस्कृति में रहूं या समाज में पूजा में रहूं या नमाज़ में तलवार की धार में रहूं या धमनियों की धारा में ऐसे बहूं या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊं कैसे मैं सिंधु में बिंदु हूं बिंदु में सिंधु हूं मैं सिंधु में बिंदु हूं बिंदु में सिंधु हूं लहराते बिंबों का झिलमिलाता इंदु हूं और अंत में कहूंगा कि हिंद हिंद की सभ्यता भारत की सभ्यता हिंद की सभ्यता हर तरह से पूरी है माना हिंद की सभ्यता हर तरह से पूरी है लेकिन सिंधु के बिना अधूरी है सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान एक गीली हलचल हूँ स्वर में कलकल है मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ये थी मेरी कविता और मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया जिन्होंने इस कविता को पाठ्यक्रम में लगाया आपको सुनाया इस माध्यम से उनको धन्यवाद भी पहुंचाया तो मैं मित्रों अभिनव जी प्रेम पंडित जी जयप्रकाश जी अमित केसरी जी हमारे बंधु आ, अमेरिका में बैठे हुए अनूप भार्गव जी नीरू श्रीमाली जी हृदयेश गोस्वामी जी दुर्गेश यादव जी धीरज चौहान साहब हिमांशु नेगी सुजीत कुमार प्रतिमा शर्मा पंकज कुमार बंसल आशीष वाजपेयी प्रभा कंसल मुकेश राज डीडी वाले हमारे और राकेश कुमार तो खुरजा में पढ़े हैं मैं भी खुरजा से हूँ सही बात है भावुक करने वाली कविता तो लिखी है मैंने जी विंध्याचल पांडे जी नमस्कार मधु मोहिनी जी आहा उन्होंने बहुत सारे फूल भेज दिए अर्घ्य बन जाता हूँ उनको ये पंक्ति अच्छी लगी एक हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हमारी यंत्र वाली कविता से प्रशंसक बने थे तो आप बने रहिए अगर दोबारा सुना दूँगा तो फिर आप हट जाएंगे चले जाएंगे मैं नहीं सुनाने वाला वो कविता <laughs> लेकिन आ, जब धुकधुकी दुख के साथ मैं बैठा हुआ था केबीसी वाले कार्यक्रम में विशेषज्ञ बन के और जहाँ वो आदरणियाँ अटकी और वो चार नदियों के नाम आए मैं अंदर से ही उस गीली हलचल से भर गया अशोक चक्रधर तुझे पता है <laughs> और मैंने बहुत संक्षेप में तत्काल उनको बताया कि ये नदी जो इन तीन देशों से गुज़र के जाती है तिब्बत तो वो चीन का हिस्सा है लेकिन सर्वाधिक स्थान वो पाकिस्तान का लेती है लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं थे सभ्यता तो एक जैसी ही थी अब सिंधु नदी ने इस घाट वालों को कोई अलग पानी पिलाया उस घाट वालों को कोई अलग पानी पिलाया तो उसमें नदी का कोई दोष नहीं है लेकिन वो नदी भी उसी घाट चली गई तो भी कोई बात नहीं है मोहन भी वहीं है हड़प्पा भी वहीं है तो भी कोई बात नहीं है लेकिन वो संस्कृति तो उस नदी ने आसपास बसाई है वो सभ्यता तो उसके घाटों पर ही जगमगाई है सदी की नदी घाट इतिहास के सदी दर सदी पाठ इतिहास के अभी पाँच हज़ार साल पहले की बनी हुई बस्तियां हैं आपको पता है कि हरियाणा में जब वो पश्चिमी प्रांत पश्चिमी पंजाबी सुबह हुआ करता था तब वहाँ जो लोग मकान बना रहे थे क्योंकि खेतों में मकान बनाने की प्रथा गांवों को विकसित करने की एक प्रक्रिया रही है तो ईंट निकालते थे तो खुदाई में ईंट जैसा ही कुछ निकलता था उस ईंट को ही रख देते थे उन्हें क्या पता था कि जो ईंटें हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ों से भी पुरानी हैं ये पाँच हज़ार साल से भी ज़्यादा पुरानी ईंटें हैं उन पर अनुसंधान चल रहा है तो देखिए कितने निकट हरियाणवी बोलने वाली ईटें वहीं धुकधुकी बन के धड़क रही हैं और हमें बता रही हैं कि पूरी दुनिया में सीमाएं मनुष्य ने खींची हैं नदियों ने नहीं नदियों ने नाव बनाने की प्रेरणा दी है इस पार से उस पार जाने की प्रेरणा दी है नदियों ने प्रेम गीत लिखवाए हैं तू उस पार मैं उस पार ओ मेरे माँझी ले चल पार पूरा छायावादी काव्य इसी पर आधारित था कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे अब कितना धीरे ले चल मैं तो आपको बहुत तेज़ी से पांच हजार साल पहले ले गया अब फिर मिलेंगे दोस्तों और फिर नदी को किसी और घाट पर ले जाएंगे किसी और पाठ के साथ और मैं कोशिश करूंगा कि निरंतर अपना ये लाइव स्ट्रीमिंग का सिलसिला बनाए रखूं उससे मुझमें भी उत्साह बना रहता है जो कविताएं लिखी हैं यहाँ कम से कम ये तनाव नहीं है कि कोई ताली बजाएगा कि नहीं बजाएगा कोई हंसेगा कि नहीं हंसेगा मैं वैसे भी कोई एकदम बहुत हंसाने वाली कविताएं कभी नहीं लिखता रहा हूँ हाँ मन में धंसाने वाली तो मैं शिद्दत के साथ बखूबी लिख पाता हूँ पता नहीं कवि सम्मेलन कब उस ऊर्जा के साथ प्रारंभ हो पाएंगे अभी तो कैमरे के पीछे ही मैं आप सबकी छवियाँ देख रहा हूँ सही है आपने सही कहा टिप्पणी जो की शुभा मेहता जी ने मैं भी बिंदु में सिंधु हूँ सिंधु में बिंदु एक मेरी बड़ी छोटी सी कविता और सुन लीजिए कि लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी समंदर मुस्कुरा दिया लेकिन जब बूंद ने लहर से उसकी उम्र पूछी तो लहर बिगड़ गई कुड़ गई चिढ़ गई बूंद के ऊपर ही चढ़ गई और मर गई बूंद समंदर में समा गई और समंदर की उम्र यही तो कतरे और समंदर का रिश्ता है कि कौन बड़ा है ये कहना मुश्किल है सबको प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े और अंत तक जुड़े रहे और बाद में भी सुनते रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरी कविता जिसे कभी मैंने मंच पर नहीं सुनाया और शायद सुनाता भी नहीं ये सोच के कि जो इतनी बड़ी भीड़ है उसको तो कुछ और तरह की ही कविताओं की आवश्यकता है बहरहाल नमस्कार लमस्कार